हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं आपको बताऊंगी बालों को काला, घना, हेल्दी और चमकदार बनाने का घरेलू उपाय। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट वीडियो देखें आप और स्किप नहीं करें कोई भी पार्ट, क्योंकि ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रूफ होगी। सो चलें अब टिप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दही डाला है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके बालों में ज़ख्म हो जाते हैं, जो कि दरअसल फंगस होती है। सो डैंड्रफ और फ्लेकी स्किन से छुटकारा हासिल करने के लिए दही एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब मैंने मायोनीज डाला है। मायोनीज में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल होता है। जो ऑयल्स हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते वो मायोनीज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मायोनीज से ही बालों में एक्स्ट्रा शाइन आती है और इनको बहुत सॉफ्ट और सिल्की भी बनाता है। ये आपके बालों में इचनेस और खुजली भी दूर कर देगा। लास्ट इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल है, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एलोवेरा जेल डल और रफ बालों को क्योर कर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स। आज मैं आपको बताऊंगी बालों को काला, घना, हेल्दी और चमकदार बनाने का घरेलू उपाय। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कंप्लीट वीडियो देखें आप और स्किप नहीं करें कोई भी पार्ट, क्योंकि ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रूफ होगी। सो चलें अब टिप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दही डाला है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके बालों में ज़ख्म हो जाते हैं, जो कि दरअसल फंगस होती है। सो डैंड्रफ और फ्लेकी स्किन से छुटकारा हासिल करने के लिए दही एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब मैंने मायोनीज डाला है। मायोनीज में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल होता है। जो ऑयल्स हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते वो मायोनीज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मायोनीज से ही बालों में एक्स्ट्रा शाइन आती है और इनको बहुत सॉफ्ट और सिल्की भी बनाता है। ये आपके बालों में इचनेस और खुज